मार्क्सवादी समन्वय समिति के द्वारा प्रखंड मुख्यालय के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नंदलाल मुखर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी ने कहा कि चंदन कियारी समेत पूरे राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर किसानों के लिए वैकल्पिक योजना लाए सरकार। साथ ही झारखंड स्थापना के 22 साल गुजरने के बाद भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उद्योग नीति नहीं बनना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मांग पत्र में 1932 आधारित स्थानीय नीति, अंचल के सभी पंचायत सचिवालय में जमीन के ऑनलाइन रसीद एवं दाखिल खारिज, अंचल में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र ससमय निर्गत करना, बिजली की लचर व्यवस्था दुरुस्त करने, इलेक्ट्रो स्टील वेदांता प्लांट सियालजोरी में 75% नियुक्ति, स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देने, पर्वतपुर कॉल ब्लॉक को चालू करने, बंद पड़े अमलाबाद कोलियरी को चालू करने, प्रखंड क्षेत्रों पर हो रहे कोयला, लोहा, पत्थर, बालू का ढुलाई बंद समेत अन्य कई मुद्दे शामिल रहे। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी ने कहा कि 15 दिनों के अंदर यहां के अधिकारी अगर मांग पत्र पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आगे वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन लालमोहन रजवार ने किया। मौके पर दिलीप तिवारी, गयाराम शर्मा, मंगल मुर्मू, दिलीप ओझा, हेमलता महतो, सबूर गोराई, साधु चरण महतो, गुरुपद कुंभकार, सुभाष मुखर्जी, चीनिवास रवानी समेत अन्य उपस्थित रहे। चंदन क्यारी से मुकेश कुमार महाथा की रिपोर्ट। यहाँ पर जनता त्रस्त है, कुछ काम नहीं हो रहा है, सीओ भी कुछ काम नहीं कर रहा है, चाहे जनपद वितरण प्रणाली के विभाग में भी हो। पहले तो दो बार का अनाज गोदाम में एक बार जाता था, डीलर दोनों बार का अनाज एक बार में बांटता था, लेकिन अभी लेट करके अनाज दिया जा रहा है। यहाँ से डीलर को जो पूछा जा रहा है तो डीलर बोल रहा है कि नहीं, हम लोग को भी लेट में अनाज मिलता है, इसीलिए हम लोग बांटते हैं। तो ये आखिर कहाँ से गड़बड़ी हो रहा है, इसका भी जाँच किया जाए, और अगर सही समय पर अनाज आता है तो डीलर के पास सही समय पर पहुँचाया जाए। और बाकी जो है मासस लगातार इस एरिया में चंदन क्यारी में जो भ्रमण कर रही है, जनसभा कर रही है, इसमें लगातार मासस का जनाधार बढ़ा है और मासस पे लोग अपना विश्वास जताकर इसमें पार्टी में ज्वाइनिंग भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग का ये लोकसभा का तैयारी है, आला कमान हम लोग को जो चाहेगी हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप लोग का आज कार्यक्रम में सीओ वीडियो अनुपस्थित रहे, यहाँ पे नजारा देखें, इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए, इसके लिए हम लोग सूचना पहले दिए थे सीओ वीडियो को एक सप्ताह पहले कि हम लोग यहाँ पर 25 जुलाई को धरना देंगे, तो निश्चित तौर पर उन लोग को आना चाहिए था, इसमें हम लोग का अनादर किए हैं वो लोग। तो इसके लिए हमारे जो आला कमान के जो पदाधिकारी लोग हैं, वरिष्ठ नेता लोग, उन लोग समय दिए हैं 15 दिन के लिए, और 15 दिन के बाद हम लोग को जो भी मुख्य मांगे हैं, 15 सूत्री मांगे चाहे 16 सूत्री मांगे, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम लोग का जो घोषणा हुआ है ब्लॉक का तालाबंदी करने का, वो हम लोग करेंगे। क्या मासस पार्टी जनसंपर्क अभियान गांव गांव दौरा करके करेगी? जी, हम लोग लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, पंचायत में, गांव में जाके कमेटी बना रहे हैं, और मासस का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, और हम लोग जैसे भी समर्थन मिल रहा है जनता का, और इसमें हम लोग लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं साथी, और हम लोग लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा या लोकसभा? लोकसभा, पहले तो लोकसभा है उसके बाद विधानसभा, और विधानसभा में भी हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयुक्त लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।